वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल एमी की दुनिया। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के बाजार में। तो गाइस आज 15 अगस्त है, तो आप लोग को पता ही होगा कि आज हमारा देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस डे है। तो हमारे कॉलेज में आज सेलिब्रेट हो रहा है इंडिपेंडेंस डे। तो आइए आप सभी को दिखाते हैं किस तरह से हम लोग के कॉलेज में हो रहा है इंडिपेंडेंस डे। तो आइए हम सब मिल के मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। अरे सावधान, अरे विश्राम, कमांडो इंस्पेक्टर सर को लेके जगह पे पहुंचाओ। आजादी मिली थी हमें, बोलने की आजादी मिली थी हमें, जीने की आजादी मिली थी
हमारे पास न खाने को कुछ था, न हमारे पास रहने के लिए कुछ था, न हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर था, न हमारे पास कुछ था। फिर हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुराने नेताओं ने, हमारे पुराने ब्यूरोक्रेट्स ने, हमारे पुराने सर्विस क्लास ने, हमारे पुराने युवाओं ने इस देश को पिछले 77 साल में कहां से कहां पहुंचाया, ये सभी लोगों को विदित है। आज हम लोग ये दावा कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों में हम, हमारी अर्थव्यवस्था जो है विश्व की टॉप 3 अर्थव्यवस्था में से, हम पिछले 50 सालों से यही कह रहे हैं कि भारत एक विकासशील देश है और यहाँ तेजी से विकास हो रहा है। कब तक हम विकासशील ही रहेंगे? एक न एक दिन तो हमें विकसित होना होगा, और हमें यह भारत को विकसित होने के लिए आप युवाओं का योगदान बहुत जरूरी है। जब तक ये युवा शक्ति एक दिशा में भारत को विकसित बनाने के लिए नहीं अग्रसर होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम तो इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स आर नोन टू क्रिएट हिस्ट्री। हम लोग होते ही इसीलिए हैं कि हिस्ट्री क्रिएट करें। हमें घर बनाने के लिए कहा जाए, हमें आज क्योंकि इंजीनियर्स जो होते हैं उनका नाम ही इसीलिए इंजीनियर्स रखा गया है, जो कि प्रकृति का निर्माण करेंगे। तो अब आप लोगों को ये जो देश को निर्मित किया गया है इसे आगे ले जाना है, एक माहौल सा क्रिएट करना है। बहुत दिनों बाद, शायद एक साल सवा साल होने जा रहा है मुझे, बहुत दिनों बाद 3 दिन का हम लोग एनुअल फेस्ट किए, और जिस माहौल में हम लोगों ने एनुअल फेस्ट किया है, ऐसा लगने लगा है कि ये एससी जो है एक परिवार की तरह जी रहा है। ऐसा लगने लगा है कि हम सब लोग इस एससी के नाम को आगे ले जाने लगे हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है, इसी तरीके से एससी के नाम को आगे ले जाइए, एक परिवार की तरह जाइए। कल बैडमिंटन का मैच हुआ, पूरा हॉस्टल था, हम लोग थे। पहली बार शायद मैं बहुत बैडमिंटन खेला हूँ, बहुत गेम खेला हूँ जिंदगी में, पहली बार इतना खुश महसूस कर रहा था मैं कि मैं इतने अच्छे क्राउड के सामने खेल रहा हूँ, इतने अच्छे क्राउड के सामने खेल रहा हूँ। आधे लोग फैकल्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, आधे लोग स्टूडेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, और क्या अच्छे माहौल में गेम। मान लीजिए बिना होटिंग के, बिना ऑडियंस के गेम का कोई मतलब नहीं होता है। जिस तरीके से बिना छात्र के संस्थान का कोई मतलब नहीं है, बिना शिक्षक के संस्थान का कोई मतलब नहीं है। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, पार्ट ऑफ गेम है। इसी तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ते रहना और इस संस्थान को आगे ले जाना है। अब गेम से आगे चलना है, गेम्स तो हमने करा लिया। और एक अच्छी बात मैं बताऊं, हैकाथॉन में 39 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। हम लोगों ने फ्रंट एंड डिजाइन पर हैकाथॉन कराया है, ये शुरुआत है। इस कॉलेज में एक माहौल बनाना है कि एक तरफ हैकाथॉन हो, एक तरफ कल्चरल हो, एक तरफ हम स्टार्टअप में जाएं, एक तरफ हम रिसर्च में जाएं। हमारे बच्चे आपस में ये ना बात करें कि आज गदर 2 में क्या हुआ, रिलीज हुआ है उस मूवी में क्या है, ये ना बात करें कि OMG 2 में क्या हुआ है। हमारे बच्चे ये बात करें कि आज वो प्रोजेक्ट बनाना था क्या हुआ, आज सर क्लास में कुछ एक नया आइडिया दिया तो उस आइडिया पे कैसे काम किया जाए, सर ने एक ग्रुप असाइनमेंट दिया उसे कैसे मिलके सॉल्व करें। माहौल बदल दीजिए इस कॉलेज का, और माहौल आप ही लोग बदल सकते हैं। हर आयाम में, हर दिशा में जाना है। NSS अपनी दिशा में जाएगा, कल्चरल क्लब अपनी दिशा में जाएगा, स्पोर्ट्स क्लब अपनी दिशा में जाएगा, टेक्निकल क्लब अपनी दिशा में जाएगा, और छात्र सारे दिशाओं में जाएंगे। yes. और ऐसी स्कूल को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज 77वें वर्षगांठ पे हम सभी लोग कसम खाते हैं कि SC सुपौल के लिए ही जीना है, SC सुपौल के लिए ही मरना है। मोदी जी का कहना है कि ये जो साल है आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग कहते हैं इंडिया फर्स्ट कंट्री फर्स्ट। हम कहेंगे सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फर्स्ट। हम सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए ही जिएंगे। अगर हम सुपौल के लिए कॉलेज के लिए जिएंगे तो इंडिया के लिए ऑटोमेटिकली जी लेंगे। तो सभी लोग प्रण लेते हैं कि जो जिस दिशा में काम कर रहा हो इस दिशा में बेहतर करने की कोशिश करेगा। अगर हम बेहतर करेंगे, देखिए जिंदगी में आपका एक ही एम होना चाहिए, लास्ट सेंटेंस है, एक ही एम होना चाहिए, आप ऐसा बनिए कि आपके माता पिता आप पे गर्व करें, आप ऐसा बनिए कि आपके बच्चे आपको फॉलो करने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा कर दिया कि आपके माता पिता आप पे गर्व करें और आपके बच्चे आपको फॉलो करें, तो सोचिए ये देश विकसित हो गया। जिस दिन हर व्यक्ति ऐसा कर लेगा उस दिन ये देश विकसित देश श्रेणी में आएगा। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
जहाँ सत्य अहिंसा